नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम ग्रामीण विकास एवं सहकारिता बुक के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि चैप्टर संख्या 19 सहकारिता की विचारधारा कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक सहकारिता के लाभ में दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। बेनिफिट्स या मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता के लाभ व दोष के अध्ययन से पहले हम पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि सहकारिता से या सहकारिता की विचारधारा से आप क्या समझते हैं, सहकारिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, सहकारिता की क्या क्या उद्देश्य हैं और सहकारिता के क्या महत्व हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछते हैं कि सहकारिता के लाभों में सहकारिता के आर्थिक व सामाजिक लाभों का वर्णन कीजिए, या सहकारिता के लाभों का वर्णन कीजिए, या सहकारिता के लाभ व दोष का वर्णन कीजिए। इसके पॉइंट्स बहुत हैं, परंतु आपको संक्षेप में इनका अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सहकारिता किसे कहते हैं, सहकारिता का उद्देश्य सेवा भावना से होता है, न कि लाभ कमाने से उद्देश्य। तो सहकारिता के लाभों को मुख्यतया हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला, आर्थिक लाभ सहकारिता के लाभों को। आर्थिक लाभ, दूसरा सामाजिक लाभ। आर्थिक लाभ जो इकोनॉमिक प्रॉफिट, सोशल प्रॉफिट, और राजनीतिक लाभ। तीसरा है राजनीतिक लाभ। चौथा, नैतिक व धार्मिक लाभ। और अंतिम है नैतिक व धार्मिक लाभ, अंतिम बात करें शिक्षात्मक लाभ। अंतिम है शिक्षात्मक लाभ। ये आर्थिक व सामाजिक लाभ आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं। आर्थिक, धार्मिक और शिक्षात्मक लाभ एक वैसे ही पॉइंट वाइज अध्ययन है, तो ये बहुत दोनों लाभ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। सामाजिक लाभों के बारे में पूछ सकते हैं और आर्थिक लाभों के बारे में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सहकारिता के आर्थिक लाभों की बात करें तो पहला है, मैंने बताया, लाभ के स्थान पर सेवा मुख्य उद्देश्य। लाभ के स्थान पर सेवा मुख्य उद्देश्य। आर्थिक लाभ में ये होता है, यहाँ पर सेवा फैक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य। सहकारिता में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका महत्व नहीं है। एक न्यायपूर्ण वितरण। दूसरा पॉइंट है, इसमें न्यायिक प्रक्रिया का समानपूर्ण वितरण होता है, तो न्यायिक वितरण में सहायक भूमिका का निर्वहन होता है। तीसरा है दोहरा लाभ, डबल बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि एक सामाजिक सेवा भी हो जाती है और एक सोशल वेलफेयर को भी एक बेनिफिट मिलता है, एक शोषण से मुक्ति भी मिलती है आर्थिक लाभ में।
शोषण से मुक्ति व्यक्ति के हितों का ध्यान में रखा जाता है, इसमें शोषण नहीं हो पाता है तो शोषण से मुक्ति एकाधिकार का अंत हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो एकाधिकार का क्या होता है, इसमें अंत होता है। तो एकाधिकार का अंत भी सम्मिलित है। अगली हम बात करें मांग व पूर्ति में समन्वय होना चाहिए, ये भी लाभ है। मांग व पूर्ति में समन्वय होता है, मांग व पूर्ति में समन्वय में भी अहम भूमिका रहती है। मांग पूर्ति में समन्वय रहता है। सस्ती साख प्रदान करना, ये भी इसके आर्थिक लाभों में है। सस्ती साख, सस्ती साख प्रदान करने में भी इसकी भूमिका अहम रही है। कृषि का विकास, कृषि के विकास में भी एक है कृषि का, कृषि का विकास भी एक आर्थिक लाभों में सम्मिलित है। और भी श्रमिकों मालिकों में मैत्रीपूर्ण समन्वय, जो श्रमिक और मालिक हैं मैत्रीपूर्ण समन्वय, ये भी एक है, एक सट्टे का अंत है। सट्टे का अंत को भी एक अहम भूमिका नहीं है। सट्टे का अंत भी एक आर्थिक लाभों में सम्मिलित है। सट्टे का अंत भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है, इसमें सट्टे का अंत हो जाता है। पूंजी निर्माण में भी एक सहकारिता की एक अहम भूमिका होती है आर्थिक लाभों में। पूंजी निर्माण कैपिटल क्रिएशन में भी एक सहायक तरीके से भूमिका का निर्वहन हो पाता है। लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, जो लघु उद्योग होते हैं, लघु व कुटीर उद्योगों को लाभ, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में अहम भूमिका का निर्वहन होता है। मूल्य पर नियंत्रण होता है, ये भी एक आर्थिक लाभ में, मूल्य प्राइस पे कंट्रोल हो पाता है। रोजगार में सहायक लोगों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार भी मिलता है, तो रोजगार में भी इनकी अहम भूमिका रही है। एक संचय व कालाबाजारी पर रोक होती है, संचय व कालाबाजारी में भी अहम रोक है। उत्पादन में वृद्धि, संतुलित विकास में भी सहायक भूमिका, बचतों को प्रोत्साहन, ये सब आर्थिक लाभों में आते हैं, आर्थिक विकास, बैंकिंग विकास। अब बात करें हम सामाजिक लाभ, सामाजिक लाभ सामाजिक सेवा उद्देश्य से किया गया, जिसमें है परस्पर सहयोग एवं भाईचारा, परस्पर सहयोग व भाईचारा, आपस में परस्पर सहयोग और भाईचारा की भावना रहती है, ये भी एक है। एक सामूहिक अधिकार, सबको एक समूह रूप से अधिकार मिलते हैं, ये भी एक सामाजिक लाभों में सम्मिलित है। सामूहिक अधिकार इसमें रहते हैं। जीवन स्तर ऊंचा उठाना, जीवन स्तर ऊंचा उठाने में भी इसकी एक अहम अग्रणी भूमिका रही है। राष्ट्रीय आय का समान वितरण, राष्ट्रीय आय का समान वितरण में भी एक सामाजिक लाभों की अहम भूमिका रही है। एक शोषण का अंत भी हो पाता है इसमें, एक शोषण का अंत, सामाजिक लाभों में शोषण का अंत होता है। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण में अहम भूमिका रही है। सामाजिक परिवर्तन बहुत होते हैं, ये भी एक सामाजिक लाभों में है। स्वार्थ की भावना का त्याग होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जागरूकता उत्पन्न होती है लोगों में, जो दुर्बल कमज़ोर वर्ग उनको लाभ मिलता है। इस प्रकार से ये सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लाभों में सम्मिलित हैं। तो अब हम बात करें इसके लाभों के अंतर्गत, बात करें राजनीतिक लाभ की। तो राजनीतिक लाभों की हम बात करें तो सहकारी संस्थाओं का प्रबंध संचालन जनतांत्रिक प्रजातंत्री पर आधारित होता है, तो अपने सदस्य या स्वायत्त शासन परस्पर सहयोग व एकता का पाठ सिखाती है। सहकारिता के अंतर्गत किसी भी पार्टी दल के अंतर्गत सदस्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी मत देने या मत प्राप्त करने की स्वतंत्रता इसमें रहती है। इसके अलावा भी चुने हुए प्रतिनिधित्व या मुखिया की बात को बहुमत आधार मानते हुए परस्पर दायित्व वहन करने की शिक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार सहकारिता राजनीतिक चेतना जागृत करने में अहम कार्य करती है। अगला है नैतिक धार्मिक कार्य। सहकारिता
आर्थिक सामाजिक आंदोलन के साथ ही नैतिक धार्मिक आंदोलन भी है, जो नीति शास्त्र के बिना अर्थशास्त्र निरस बन जाता है। इसमें मानवीय सद्भावना का लोभ भी हो जाता है, जिसमें मानवीय सद्भावना के बिना ही सभ्यता चमक भी नहीं रह पाती। इसलिए भाईचारे की भावना इसमें उत्पन्न रहती है। अगली हम अंतिम बात करें शिक्षात्मक, तो सहकारिता आत्मनिर्भरता में परस्पर सहायता के रूप में बंधुत्व में काम करने वाली भावना जागृत करती है। सहकारिता निर्बल व्यक्तियों को संगठित होकर एक मजबूत स्थिति बनाने में भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। अब हम इसी क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे सहकारिता के दोष व कमियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम पढ़ेंगे सहकारिता के दोष व कमियाँ। सहकारिता के दोष व कमियाँ, कौन कौन सी दोष कमियाँ रही हैं जो कि लाभों से विपरीत ये हो पाती है। जिसमें पहला है व्यक्तिगत स्वार्थों में वृद्धि, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ज़्यादा होता है, तो व्यक्तिगत स्वार्थों में वृद्धि की भावना रही है, ये भी इसकी कमियों में। इसमें व्यक्तिगत हितों का ध्यान में रखा जाता है। एक साधनों का अवांछित प्रयोग, साधनों का अवांछित प्रयोग हुआ है, साधनों का अवांछित प्रयोग भी इसमें सम्मिलित है। अगली हम बात करें अनुत्पादक कार्यों पर अधिक व्यय होता है, अनुत्पादक कार्यों पर अत्यधिक व्यय उत्पादक कार्य हैं जो कि अनावश्यक खर्चे पर अधिक व्यय हो पाता है, ये भी इसकी कमियों में है। एक राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, एक राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव जो कि राष्ट्रीय स्तर का जो उत्पादन हो गया विपरीत प्रभाव, ये भी इसकी कमियों में शामिल है। और भी अकुशल प्रबंध व्यवस्था है, ये भी इसकी सब कमियाँ हैं। अकुशल प्रबंध व्यवस्था, अकुशल प्रबंध व्यवस्था से जो भी एनजीओ है, जो भी ये संस्था है, सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाती है। एक सहकारिता सार्वजनिक संस्थान है, बेईमानी व भेदभाव करना ये भी एक है, बेईमानी और भेदभाव भी इसमें मुख्य तत्वों में इसकी कमियों में पाई जाती है, कि इसमें सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं। बेईमानी भेदभाव भी इनकी कमियों में महत्वपूर्ण है। एक सदस्यता सीमित लोगों को मिलती है, तो ये भी इसकी कमियां हैं, सीमित सदस्यता की वजह से भी ये सहकारिता सहित रूप से, एक इसका आकार बहुत छोटा है। आठवीं कमियों की बात करें, इसका आकार क्या है, छोटे होने से ये सही तरीके से वह स्तर पर कार्य नहीं कर पाती हैं। योग्य नेतृत्व का अभाव पाया जाता है, योग्य नेतृत्व का अभाव से भी सहकारिता सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाती है। एक सरकारी सहयोग भी इसमें वांछनीय है, सरकारी सहयोग। तो इस प्रकार से ये सहकारिता की कमियां व दोष मुख्यतया इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की कि सहकारिता विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन सी कमियां रही हैं, कौन कौन से इसके लाभ थे, जिसमें आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक निस्वार्थ शिक्षात्मक लाभों के बारे में हमने एक इस अध्ययन किया संक्षिप्त में। क्योंकि फिर कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि सहकारिता की कमियां कौन कौन सी नहीं, तो कमियों से संबंधित ये पॉइंट्स हैं, जो कि आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, या फिर अपने मन से जो आपको लगे वाकई में सहकारी शिक्षण संस्थान में ये कमियां रही हैं, उनको भी आप उजागर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सहकारिता के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से सहकारिता सिद्धांत कार्यरत हैं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से ऐसे सहकारिता सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें सहकारिता के वर्तमान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांतों के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्योंकि सिद्धांत एक हैं, उन सिद्धांतों पे ये सहकारी शिक्षण संस्थाएं कार्यरत कर रही हैं।
तो हमें सहकारिता के सिद्धांतों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सहकारी सिद्धांत हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं, तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।